अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वैस शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को एक तो पूरा देखना है, पहला तीसरा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर दूसरे में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ कन्वर्जन ही आएगी, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह दूसरे में से नहीं आएगा। पाँचवें चैप्टर में से इंशाल्लाह सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड की जाएगी और आज ही अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने इन क्वेश्चंस को पूरा देखना है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे तकरीबन 400 से ज़्यादा गेस्ट पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, हर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर अपलोड किए जाते हैं। तो आपको एक और बात बताता चलूँ कि बेशक लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, गुजरांवाला तमाम बोर्ड्स के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी न्यू बुक्स में से बनाए गए हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से, व्हाट इज एल्गोरिदम, डिफरेंट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्ट टू डेवलप एन एल्गोरिदम, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट अ मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लो चार्ट एंड सिंबल। स्टूडेंट पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने खुद जान के इसके ऊपर लिखा नहीं था, वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि एक टाइम में आपको फ्लो चार्ट बनाने वाला सवाल लाजमी आएगा। जैसे इवन ऑड का फ्लो चार्ट बनाए या फिर एलसीएम वाले का फ्लो चार्ट बनाए, कुछ भी किसी चीज़ का भी वो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको कह सकता है। तो आपने फ्लो चार्ट के क्वेश्चन जो बनाने सीखने हैं वो सारे बनाने सीखने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, तो आपको बताता चलूँ, चैप्टर नंबर 3 सॉरी, TCP/IP और इसकी डिफरेंट लेयर, जैसे एप्लीकेशन लेयर, कोई भी वो लेयर्स पूछ सकता है 2 या 3, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद एप्लीकेशन शेयरिंग क्या होता है, इसके ऊपर नोट लिखे, व्हाट इज़ द नोट, राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2000 दिस। तो आपने इसके ऊपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको तैयार करना है। व्हाट इज़ एक्सप्लेन IP एड्रेसिंग, इसके अंदर आपने IP4 और IP6 की एड्रेसिंग लिख के इसकी एग्जाम्पल देनी है। एक्सप्लेन राउटिंग, राउटिंग को एक्सप्लेन कर रहे स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बार बार आया हुआ है पेपर के अंदर। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पायरेसी एक्सप्लेन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में भी साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। और एक और बात याद रखिएगा कि पेपर में हेडिंग्स देनी है आपने, हेडिंग्स 9th के बच्चे बिल्कुल नहीं देते, इतना गंदा पेपर लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर दे रहे होते हैं, आइडिया नहीं होता। 8th क्लास समथिंग एल्स, 8th क्लास में आपको पता है सारे बच्चे पास होते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन 9th में आपको हेडिंग्स के साथ नंबर तो लेने पड़ने हैं। और सीज फायर है, टेक्स्ट है, इसके अलावा पेटेंट है, व्हाट इज पेटेंट, व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट, राइट अ नोट ऑन साइबर क्राइम टाइप्स, साइबर क्राइम के जो टाइप्स है आपने इसको एक्सप्लेन करना। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर बताता चलूँ, आपको एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का ज़्यादा चांस है बनाने के लिए आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी स्टूडेंट्स मिलेंगे और आपको हर आने वाले जितने भी पेपर हैं ना उनके गेस्ट पेपर मैं लाजमी प्रोवाइड करूँगा, चैप्टर वाइज भी, नॉन चैप्टर वाइज भी, MCQs लॉन्ग सारे, फिजिक्स के, न्यूमेरिकल, बायो, तमाम सब्जेक्ट्स के। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है।